क्या नाम है, बिजली तो जा ही रही है, उसके अलावा गैस भी थोड़ी जा ही रही है भाई। 10 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती, जा चुकी होती है, फिर आती है 6 बजे तक सुबह के। तो भाई रात में क्योंकि 10 बजे तक जब चले जाती है तो भाई खाना वाना सही से नहीं पक पाता है, तो इसी वजह से हम लोग खाना लेने के लिए अभी आए हैं, खाना लेते हैं। और पप्पा को हमने बड़ी मुश्किलों से राजी किया है भाई मीठा पान खाने के लिए। पप्पा ने बोला भाई बच्चे नहीं खाते मीठा पान, तो मीठा पान खाने के लिए हमने पप्पा को राजी तो कर लिया है, बहुत इंसिस्ट करी है भाई। पप्पा ने बोला भाई बच्चे मीठा पान खाते ही नहीं है, क्योंकि पप्पा ने बोला कि ये बुरी चीज़ होती है। बात तो सही है। पप्पा ने बोला कि पहली और आखिरी दफ़ा मैं खिला रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट टाइम है, क्योंकि भाई पान हर कोई नहीं खाता भाई, ये तो मीठा पान है इसलिए हम लोग खा भी रहे हैं। 20 minutes later भी हम लोगों ने खाना ले लिया है। और भाई जब हम लोग खाना ले रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि भाई घर में तो आप लोग को पता है घर पूरा पैक होता है, इतनी सर्दी नहीं लगती है, हमारी बॉडी भी गर्म होती है, गर्म हो रही होती है घर में। लेकिन जब हम लोग गाड़ी में आए थे गाड़ी में भी इतनी नहीं लगी भाई, जब हम लोग ने डिनर लेने के लिए हम लोग उतने भाई, जब तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि आप लोग को पता है यार मैं अभी जैकेट भी नहीं पहना हूँ और ना ही अंदर शर्ट पहना हूँ, और ये भी लिनन की शर्ट है भाई। तो अभी हम लोग का प्लान बना है यार सूप लेने का, तो अभी लेते हैं सूप हम लोग, तो अभी चलते हैं सूप लेने। भाई सूप भाई अभी देख लो भाई, मेरी शर्ट देखो आप कैसी हिली है, बहुत तेज सर्दी लग रही है मुझे अभी, इसी वजह से हमने गर्माहट के लिए हमने सूप लेने के लिए कर लिया है। तो अभी लेते हैं सूप हम लोग, अभी चलते हैं वहाँ पर सूप वाले की दुकान पर। यहाँ पर फैमिली के लिए भी थोड़ा सा बैठने के लिए दी हुई है चेयर्स वगैरह, बड़ी सर्दी लग रही है भाई, बहुत चलती है भाई। ले लेते हैं भाई, ये रही सूप की शॉप, अभी लेते हैं सूप। भाई मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई यहाँ इंटीरियर, जो दुकान वालों का होता है वो क्या नाम है, जो इंटीरियर है ना वो दिखा देता हूँ भाई। ये रहा हमारा कॉर्न सूप है यहाँ पर, और ये बोला जी है, और वो क्या नाम है यखनी है। तो आज हम लोग यखनी पीने वाले हैं, तो यखनी ट्राई करते हैं आज। गाइस आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं भाई, बहुत तेज हवा चल रही है भाई। अच्छा तो भाई ये देखो, ये आपको पीले बल्ब के अंदर आप लोग को नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन भाई मुझे नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा धूल उठ रही है, धूल चल रही है, और स्नो जैसे वो नहीं होता है कहते हैं शबनम, उसे कहते हैं भाई, शबनम गिर रही है, तो ओस का शबनम को ओस ही कहते हैं भाई। तो ओस इतनी गिर रही है कि अगर अभी हमने गाड़ी खड़ी करी ना, तो एक या आधे घंटे के अंदर हमारा पूरा शीशा वो बर्फ़ टाइप का हो जाता है ना, वैसा टाइप का हो जाएगा, पानी पानी आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये बताने का आप लोगों को मतलब तो ये है भाई, सेफ्टी रखो मेरी तरफ, टाड़दन नहीं मानो भाई, मुझे क्या पता था इतनी ठंड होगी, मैं लिनन की शर्ट पहन कर आके भाई गर्मियों में पहनी जाती है ये। तो अपना ख्याल रखें, जब आप लोग सुबह में उठें या फिर कहीं जाएं सुबह में, तो लाजमी है कि अपर या फिर अंदर कोई जिसे शर्ट वगैरह पहन लें, वरना आप लोग को नज़ला हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, और ऐसे ही कुछ इम्कान आप लोग के चेहरे पर आने लग जाएंगे। जैसे भाई ये आप लोग देख रहे हो भाई, मेरी भी नाक अभी बंद हो चुकी है भाई, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी मैंने शर्ट, आपको पता है यार मैंने शर्ट अभी वो वाली पहनी हुई है इसी वजह से। तो अभी चलते हैं घर पर। तो भाई ये देखो हम लोगों ने ले लिए भाई, ये रहे हमारे मीठे पान, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पप्पा से हमने इजाज़त लिए, तो वो मीठे पान भी खाएंगे। और ये रहा सूप, और ये देखो भाई कैसी हवा चल रही है, आगे का बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा भाई साहब, ये आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत हवा चल रही है। तो ये रहा हमारा नाश्ता, और ये रहा सूप, ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दी जो भाई अभी हमने ली हैं। तो अभी चलते हैं घर पर, तो मिलते हैं घर पर आपको खाना के खाने का उसी टाइम पर। क्या बोला तूने? खाना के खाने का उसी टाइम पर। अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि बिजली जा रही है भाई अभी भी, ये देखो भाई जीने पे हमारे बहुत स्ट्रीट पर, हमारे चर्च पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है, नाम है अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है अभी भी। तो अभी ऊपर चलते हैं क्योंकि लाइट एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, गैस भी जाने लग गई है और लाइट भी जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत भाई बुरी चीज़ है कि अब ये भी होता सर्दियों के अंदर, पहले नहीं होता था भाई सर्दियों में, यहाँ होने लग गया है, और गर्मियों में तो जाती नहीं है, गर्मियों में जाती नहीं है, सर्दियों में पता नहीं क्यों चलती है कि बंदा घर में कुछ सूप वूप बना ले भाई, ट्राई करता रहे सूप। तो अभी चलते हैं घर पे, खाना वाना निकालते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग।
A few moments later. गाइस हम लोग अभी खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था खाना वा के अभी फारिग हो चुके हैं। तो लाइट वाइट गई हुई थी उस वक्त, मेरा लाइट की थोड़ी लाइट कम थी क्योंकि यूपीएस होता है ना, तो यूपीएस पे थोड़ा कम वो चलता है, क्या नाम है, लाइट से कम चलती है, तो इसी वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए मैंने बोला यार जब लाइट आएगी जब भी व्लॉग बना लूँगा। तो पापा ये लोग भाई अभी पान वान खा लिया, मीठा पानी लोगों ने, मैंने उस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने फ्रिज में रख दिया था पान, तो फ्रिज के अंदर अभी वो ठंडा हो चुका है, तो हम भी खा लेते हैं यार मीठा पान। आप लोग को टेस्ट करके बता दें कैसा होता है मीठा पान, मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ भाई। भाई ये रहा मेरा मीठा पान, आप लोग देख रहे हो भाई, पहली दफ़ा खोल के देखूँगा भाई कैसा होता है। वाओ भाई इन्होंने तो वो बड़ा ही अच्छा बना के दिया पान। जल्दी जल्दी हाथ से खोलो ना इसको, यहाँ से साइड से खोलो ऐसे। हाँ यहाँ से खुलता है ये, मुझे पहले पता नहीं ना, मुझे मैं तो ऐसा लग रहा है मैं तो रोजाना खाने वाला हूँ। अजीब भाई पूरा पान कैसे खाऊंगा, कुछ भी कुछ भी इतना काफी है भाई मेरे लिए। भाई बहुत बड़ा पान था ये, इसके मुंह में भी नहीं आ रहा था, तुम लोगों ने देख लिया होगा। देखो अभी भी कैसे कर रहा है, ये देख सकते हो ना तुम लोग, तो ये बहुत बड़ा पान है। मेरा भी पान रखा हुआ है, मैंने अभी खाया नहीं अपना, अभी ये है कि थोड़ा थोड़ा करके ये खाया जा रहा है। देखो देखो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, बहुत बड़ा पान है भाई, पहली दफ़ा खाया और इतना बड़ा पान है माशाल्लाह से कि मुँह में भी नहीं आ रहा। ये देखो गाइस ये मैंने आधा ही खाया और मेरा मुंह पूरा फुल हो चुका है, क्योंकि बच्चों का मुंह होता ही रोता है। तो इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, आप लोग का छोटा भाई एल बी ब्लॉगर, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।